कुछ केसेस में ज्यादातर शादी जो हमारा खाली पर्सपेक्टिव है ना, वही होना चाहिए कि शादी इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन और जल्दी होनी चाहिए. एग्जैक्टली. लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें लड़का बहुत ही इमेच्योर है, अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करता है, उसके ना स्टडीज में अच्छे मार्क्स हैं और वो ड्रग एडिक्ट है, और वो लव से निकला है, एक रिलेशनशिप से निकला है. माँ बाप उसे कहते हैं कि यार एक प्यारी सी अच्छी सी बापरदा दीन पढ़ी हुई शरीफ सी लड़की से शादी कर दो इसकी. वो तो बेचारा इसको वो यूज़ एंड अब्यूज़ करेगा, उसकी भी लाइफ को बर्बाद कर देगा. ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि देयर इज अ बैलेंस, हालात वाकई, दैट्स व्हाई आई सेड गो टू अ काउंसलर जो कि डिटेल में आपका इंटरव्यू करेगा, आपके हालात देखेगा और फिर आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा. तो डेफिनेटली शादी के बहुत फायदे हैं. और आई थिंक ये इशू कहाँ से रेज होता है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द इशू इटसेल्फ. इंसान जब अपने नफ्स को लेट लूज करता है ना, फिर उसका मैं समझता हूँ कि जो नफ्स है ना हमारा, इट्स लाइक एन अनटेम्ड हॉर्स. ठीक है, अगर आप इसको ट्रेन करेंगे तो यू विल कंट्रोल इट, अगर आप इसे ट्रेन नहीं करेंगे तो इट विल कंट्रोल यू. एग्जैक्टली. हमारे तीन नफ्स हैं, नफ्स अमारा बिसू जो कि बुराई की तरफ उभारता है, नफ्स लवामा जो कि फाइट करता था कि यार क्यों मैंने गलती कर दी, क्यों मैंने नज़र उठा के देख लिया, क्यों मैंने बुरे काम कर लिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था. और नफ्स मुतमाइना जो है वो नफ्स जो कि मुतमाइन है अल्लाह ताला की अहकाम पे, सबमिटेड टू द वर्ड्स ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला और अल्लाह के नबी के अहकाम पे. ठीक है, तो हम लोग अक्सरियत जो है वो नफ्स लवामा में चल रहे होते हैं, फाइट मेजॉरिटी मेजॉरिटी मुस्लिम्स का यही हाल है. तो आई थिंक जितना इंसान अपने नफ्स को ट्रेन करेगा और टेम करेगा उतने ज्यादा उसे कंट्रोल करेगा. अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसका नफ्स उसे लाइक एन अनट्रेंड हॉर्स उसके ऊपर बिठाएगा और जहाँ मर्जी चाहेगा ले जाएगा. अच्छा, ये मामला दिल का भी है. देखिए आयत जो है ना, सॉरी आप बात कर रहा हूँ, हदीस जो खासतौर पर दुआ है, खासतौर पर सॉरी, अल्लाहुम्मा इक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग्निना बिफज़लिका अन सिवाक. ये बहुत बड़ी बात है यार कि हराम से अल्लाह ताला मुस्तगनी कर दें आपको, हलाल के अंदर वो लज्जत और वो यार. लेकिन इसके लिए ना असल में वही बात है उस्ताद भाई, ये नहीं माइंड सेट आपका होना चाहिए. मैं आपको बताऊं कि अच्छा, अगेन मैं अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ. शादी भी ऑलवेज अगर आपका दिमाग कमिटेड नहीं है कि मैं समझता हूँ कि मैंने शादी को मैं सीरियसली और मैं मैच्योरिटी के सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, या मैं इसको अपनी सॉल्यूशन समझ के नहीं करता शादी, तो अल्टीमेटली ये हो सकता है कि जरूरी नहीं कि शादी भी आपको कई बेशुमार ओपन रिलेशनशिप्स अब कितने ज़्यादा है, यानी आफ्टर मैरिज जो हमारे रिलेशनशिप्स अब बहुत बड़ा इशू है एक हमारी सोसाइटी का. और लिहाजु बिल्ला मतलब आपको भी पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कई पिछले दिनों एक खातून की तरफ से एक क्वेश्चन आया कि शी हैड यानी कि उसके बच्चे हैं तीन, और वो भी यानी तीन बच्चे जो हैं वो किसी और मर्द से हैं, उसके हस्बैंड से नहीं है. और एक बच्चा जो है वो 23 साल का है, सबसे बड़ा बेटा 23 साल का है. फिर मतलब कहने इमेजिन 23 यानी शादी को आप समझ लें 25-26 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो उस रिलेशनशिप से नहीं निकली, फिजिकल रिलेशनशिप है, जितने बच्चे औलाद हैं वो दूसरे से वही नहीं, ये रिलेशन मौजूद हैं. आपका माइंड, आपका एटीट्यूड, आपका नफ्स ये सब है. लेकिन एट द सेम टाइम देखें, शरीयत की जो सॉल्यूशंस हैं वो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ कंडीशंस एज वेल. यू कैन नॉट जस्ट सिंपली टेक इट अ पिल और उसको आप खास देखें. हर दवाई को इस्तेमाल करने के भी कुछ आदाब हैं, कुछ अखलाक हैं. तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें व्हेन दे कम टुगेदर एंड व्हेन दे आर डन इन अ वे दैट इट इज सपोज टू बी, सारी कंडीशंस जो आप बता रहे हैं तभी बेनिफिट होते हैं. आई थिंक असल देखिए मामला दिल का है. मैं एक बात ये एम्फसाइज करना चाहूँगा, बिकॉज हम जो यूथ हमें सुन रही है उनको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देना हमें ज़रूरी है. देखिए आपका असल मामला जो है वो दिल का है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं कि दिल का मामला है. तो दिल के मामले में आप क्या सुन रहे हो, exactly. क्या आपके दिल को फीड किया जा रहा है, किस बारे में आप बार बार बात कर रहे हो, क्या आप बार बार देख रहे हो, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एबल, यू नो वोंट बी एबल टू चेंज ओवरनाइट. आप पूरी एक दिन में नहीं होगा, बिकॉज आपने इतने टाइम लगाया है अपने आप को फीड करने में, किसी की याद में, किसी के साथ अटैचमेंट में, किसी के ख्याल में. आपने सुना है, किसी के बारे में बात करते रहे हो, किसी को देखते रहे हो, कुछ सुनते रहे हो, गाने सुनते रहे हो जो आपको उसी की याद दिलाता है. तो आपने अपने दिल को उस चीज से प्योरीफाई करना, एंड इट एट टाइम्स इट गोइंग टू टेक यू टाइम. मेरे पास एक केस आया, वहाँ पे एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया एंड उन्होंने ये बात बोली कि आई वाज मैरिड टू अ इंडिविजुअल एंड उन्होंने कभी भी मुझे वो लव और मोहब्बत नहीं दी, फिजिकल हो या इमोशनल हो, उन्होंने वो दी नहीं मुझे. और उसकी वजह से इट्स बिन मोर देन अ ईयर आई कैन नॉट लिव विद दैट इंडिविजुअल बिकॉज इट्स नाउ बिकम अ टॉर्चर विद दैट इंडिविजुअल. एंड आई टोल्ड माई फैमिली एंड माई फैमिली सेड कि नहीं आई यू कांट लिव विद दिस पर्सन बिकॉज द वेरी राइट जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आता है वो अपनी बीवी को देने के लिए तैयार नहीं है. इट कैन बी एनी अदर रीजन, मे बी द पर्सन इज नॉट इंटेलेक्चुअली यू नो मैच्योर इनफ, और मे बी वो अपने अभी पास में लगा हुआ है. यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है. अगर आप नहीं करोगे, आप
किसी और की जिंदगी में इफेक्ट लेके आ रहे हो. यू नीड टू बी एबल टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग एंड बी एबल टू अंडरस्टैंड आई एम नॉट एबल टू गो बैक एंड आई डोंट वांट टू गो बैक इन द पास्ट. आई नीड टू मूव फॉरवर्ड. ये जो कुरान मजीद की आयत है ना, जो जो कुरान में लफ्ज़ एक महसन मोहसिन का मोहसिनात का और सिफा, ये दो चीज़ें इस कुरान मजीद ने टर्म यूज़ किए हैं कि सिफा नहीं होना चाहिए शादी. शादी एहसान का दर्जा है. मोहसिना मोहसिनात के लिए लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं ख्वातीन के लिए. असल में फ़र्क उलमा यही करते हैं कि एक है सिर्फ लज्जत के लिए शादी करना और उसको मज़े के लिए करना, और एक है उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ जिसे कहते हैं एक आप जिसे कहते हैं ना एक पूरा जिस तरह कहते हैं एक पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेच्योरिटी के साथ उसको इम्ब्रेस करना. इन दोनों में फ़र्क है. इट डिपेंड्स अलॉन्ग इट. और इसमें अखी मज़े की एक बड़ी थ्योरी है. मेरी एक एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि यानी ख़ासतौर पर शादी से पहले के रिलेशनशिप्स में कि वो असल में कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट इससे मुझसे बारे डिसएग्री करते हैं. मैं एक दफ़ा साइकोलॉजी की क्लास भी ले रहा था, टीचर्स बैठे हुए थे, उनके साथ मैं एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहा था. जो फितने हैं, जो आजमाइशें हैं, जो डिज़ायर्स हैं, द मोर यू रिजेक्ट दोज डिज़ायर्स, द मोर यू एक्चुअली फाइट एंड बैटल विद देम, द मोर यू गेट टू कंट्रोल देम. अच्छा, ये साइकोलॉजी आपको पता है वो फ्रॉइड की थ्योरी है ना कि जितना आप उसको रिप्रेस करते हैं उतना ज़्यादा वो क्या करता है, वो आपको स्प्रिंग आउट करता है. मेरी अंडरस्टैंडिंग कुरान मजीद का जो कॉन्सेप्ट है वो कुरान मजीद का सॉरी अल्लाह के रसूल सल्लम की जो हदीस है वो जो फितने वाली है, तुअरदुल फितनु अलल कुलूबि कल हसीर उदन उदा फअय्यु क़ल्बिन अनकरहा नुकितत फीही नुक्ततुन बैदा. जो और इब्ने कय्यिम ने इसकी तशरीह की है कि फितने आजमाइश डाउट के भी होते हैं, डिजायर्स के. जितना उसको डिजायर्स को जितना आप बैटल करते हैं ना, जितना आप उसके साथ मेच्योरिटी के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, आपका दिल अल्लाह ताला सफेद करता रहता है. और ये तक के मिथलु सफा हदीस में आता है कि ऐसा सफेद स्टोन बन जाता है मजबूत के ला यदुरुहु फितनतुन मादामत अस्समावात वल अर्ध. जब तक आसमान और जमीन कायम है उस पर कोई फितना फिर एक वक्त आता है असर ही नहीं करता. यानी जितना आप उससे बैटल करते हैं, जितना आप उसको चैनल करते हैं, द मोर यू एक्चुअली गेट टू कंट्रोल दिस. अगेन वही बात है कि टेम करना है आपको. और ये हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अब ये यानी ये तो सैडनेस कॉन्सेप्ट है ना कि इम्ब्रेस करें अपने कार्नल डिजायर्स को, इम्ब्रेस करें और लेट देम लूज, लेट योर हॉर्स लूज एंड एक्चुअली लेट योर बीस्ट एक्चुअली डू एंड फीस्ट ओवर व्हाटएवर इट वांट्स. तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगेन वो सारी एक यानी एक बहुत बड़ी आजमाइश है इंसान के लिए, मैं समझता हूँ. बट एट द सेम टाइम वही बात है, अजाब से बचना है तो आपसे बचने के लिए ये सॉल्यूशन है. एक और बात पे भी हम आते हैं आपकी तरफ. बात देखिए मिसाल के तौर पे ये कि आपने मोहसनात की बात की तो खदन भी एक अल्फाज है. हाँ, मिसाल के तौर पे कि लोग सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप नहीं रखते बिकॉज ऑफ सीकिंग प्लेजर, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात है. तो अल्लाह सुब्हान ने कहा कि ये जो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं और मोमिन हैं वो इस तरह की रिलेशनशिप में नहीं सीख करते. हमारे पास सोसाइटी में हैविंग अ रिलेशनशिप इज मोर अबाउट हैविंग अ गुड टाइम. और जहाँ भी मुश्किल वक्त आता है दे वॉक अवे, इट्स अबाउट गोइंग टू द मूवीज, बी एबल टू यू नो हैव अ गुड डे. उस चक्कर में जब वो शादी करते हैं दे फील द एब्सेंस ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट, एंड वो बोलते शादियों में मजा नहीं है बिकॉज दे सीकिंग प्लेजर फ्रॉम हराम मींस. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम. एंड यू नो यंगस्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं, यू नो माशाल्लाह से आप जो इंटरेक्ट करते हैं तो द प्रॉब्लम इज दैट दे हैव अ मिसकंसेप्शन अबाउट द वेरी आइडिया ऑफ हाउ रिलेशनशिप शुड बी बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन. बिल्कुल एग्जैक्टली. और जिस तरह से यू कैन नॉट स्टार्ट हलाल हराम रिलेशनशिप थिंकिंग ऑफ इट विल बिकम हलाल वन डे. ठीक है, हम कहते हैं कि जो आज हराम शुरू करते हैं कल को शादी कर लेंगे हलाल बन जाएगा, दिस इज़ नॉट राइट. और वही बात है कि जब इंसान किसी तरह से गुनाह में पड़ना शुरू होता है ना तो हलाल की लज्जत उससे छीन ली जाती है. एक शख्स थे जो कि शादीशुदा थे, उनको पॉर्न एडिक्शन हो गई और इतनी ज़्यादा वो एडिक्ट हो गए कि उनकी बीवी को इसका पता चल गया. वो बीवी के पास जाते नहीं थे एंड ही यूज़ टू प्लीज हिमसेल्फ विद दैट एडिक्शन, हत्ता कि उनकी तलाक हो गई. एंड दैट शेख टोल्ड मी कि वंस यू सीक प्लेजर इन हराम अल्लाह विल टेक अवे हलाल.